तो अपनी बात मैं दो पंक्तियों से शुरू करना चाहता हूं, जहां पर मजा आए पूरी तालियां बजाना, पूरा वाह वाह करना। रेडी, तैयार हैं? बस यही चाहिए। ये आप लोगों को सिर्फ मैं जागरूक करने के लिए, ऊर्जा भरने के लिए कह रहा हूं। अक्सर मैं मंच पे, टीवी पे, कार्यक्रमों में मैं बातें बोलता हूं तरह तरह की, तो आज यहां पर दो पंक्तियों से शुरू कर रहा हूं। मजा आए तो वाह-वाह करिएगा, तालियां बजाइएगा, ये सिर्फ आपकी ऊर्जा के लिए है कि बच्चों को बच्चा कहना अब बच्चों का अपमान है। बच्चों को बच्चा कहना अब बच्चों का अपमान है। हर लड़की कैटरीना और हर लड़का सलमान है। अब आप लोगों को जागरूक करने के लिए बोलना पड़ता है। अब दोबारा इसे जोरदार तालियां बजनी चाहिए कि बच्चों को बच्चा कहना बच्चों का अपमान है। हर लड़की कैटरीना और हर लड़का सलमान है। और मेरी महबूबा इतनी सुंदर जितना हिंदुस्तान है। तो कहने का मतलब यह है, इस बात का और कोई मतलब नहीं था, सिर्फ इतना था कि आप लोगों के अंदर एक एनर्जी आए, आप लोग जागरूक हो और मेरी बात को ध्यान से सुने। और यहां पर समाजवादी का एक एक कार्यकर्ता जो बैठा हुआ है, सब महान है, सब ऊर्जावान है और सबके अंदर एक अलग है, वो अलग जगानी है। मामला सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया आज हमारे बीच में इस कदर घुस चुका है, इसका उपयोग भी है और दुरुपयोग भी है, तो हमें इसका उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। दुरुपयोग करने के लिए दूसरे लोग बैठे हुए हैं। बस ये है कि जो दुरुपयोग करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जो झूठ फैलाया जा रहा है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उस झूठ को, उस भ्रम को हमें समझना है और उससे बचना है। अब कौन कौन से झूठ, अब आपको बताना होगा कौन कौन से झूठ। अभी जब 22 के इलेक्शन थे तो यहां पर बड़े जोरदार तरीके से चुनाव के ठीक पहले भाषण दिया गया था एक बड़ा सा, जिसमें कहा था कि भाइयों बहनों 10 मार्च को हमारी सरकार बनवा दीजिए, फिर 20 मार्च को होली और दिवाली में एक एक फ्री सिलेंडर आपके घर पे पहुंच जाएगा। ताली इस बात पे नहीं बजानी है, ताली इस बात पे बजानी है कि ये बताइए ये बात सच थी या झूठ है। सिलेंडर मिला किसी को? दिवाली में मिला? होली में मिला? इसका मतलब ये बात, तो अब आप अंदाजा लगा सकती है कितने झूठे लोग हैं। और ये झूठ सोशल मीडिया के माध्यम से आगे 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 और बढ़ाया जाता है। इन झूठ से बचना है। फिर एक और झूठ कहा गया था, आप लोगों को याद होगा, कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी शानदार हो गई है कि रात को 12 बजे 16 साल की लड़की गहने लाद के स्कूटी में कहीं भी जा सकती है, बोला गया था, याद है? और नहीं याद है तो याद करिए, क्या ये बात सच है कि 16 साल की बच्ची रात को 12 बजे स्कूटी में गहने लाद के कहीं जा सकती है इस प्रदेश में? झूठ है? हाथ उठा के बताइए, क्या बात है? बस इसी झूठ को समझना है। फिर एक झूठ और बोला गया था कि भाइयों बहनों हमारी सरकार बनवा दीजिए, सांड के गोबर से भी आपको लखपति बना दिया जाएगा, याद है?